हाय एवरीवन मैं हूं हर्षल अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैप्सूल्स पर उम्मीद है आप सभी की एसबीए क्लेरिकल मीनस की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी पिछले डेढ़ महीने से हम लोग लगातार लगे हुए तैयारियों में और लास्ट के सात दिनों में डेली मैराथन कर रहे हैं कभी डीआई की कभी एल्जेबरा नंबर सिस्टम की कभी अर्थमेटिक की कभी क्रिटिकल रीजनिंग की लगातार तैयारियां चल रही है और आप सबकी भारी डिमांड थी कि पेपर अटेम्प्टिंग का वीडियो लाओ पेपर अटेम्प्टिंग का वीडियो लाओ तो एसबीए क्लैरिकल मीनस के लिए पेपर अटेम्प्टिंग का वीडियो आपके सामने है

लगभग 80 के आसपास ओवरऑल स्कोर है एक बच्चा लगभग 50 के आसपास ओवरऑल स्कोर है तो तीनों को आप देखेंगे तीनों ने क्या 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 गलतियां करी है, क्या अच्छा ही करी अच्छाई है क्या अच्छा किया कि उसके नंबर 130 तक पहुंच रहे हैं क्या गलत किया कि एक बच्चा 50 तक पहुंच रहा है क्या और सुधार हो सकता है कि एट्टी वाला भी ऊपर सौ क्रॉस कर जाए इस तरह की बातें इस वीडियो में होने वाली है उम्मीद आप सभी को वीडियो पसंद आएगा और फिर वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल मेरे लेसन क्या है इस पूरे एनालिसिस से देखिए एनालिसिस तो दोस्तों मेरे पास इस समय खुला हुआ है एसबीए क्लैरिकल मीन्स का मॉक नंबर फोर लर्निंग नीति का और यहाँ पर अपन लोग तीन स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा आपको किस तरह से परफॉर्म करना है पेपर में किस तरह से परफॉर्म नहीं करना तो फर्स्ट स्टूडेंट है हमारे फर्स्ट स्टूडेंट मैंने ऑब्वियसली नाम हाइड कर दिए हैं तो इनका ओवरऑल स्कोर मैं आपको बताया हूँ तो कितना है इनका ओवरऑल स्कोर लगभग वन थर्टी के आसपास तो टॉप थ्री में इनकी रैंक है नाम मैंने हाइड कर रखा है और पॉइंट में इसका स्कोर कितना है

और क्वांट में इनका स्कोर हो जाता है सही और एक जो थर्ड स्टूडेंट थर्ड स्टूडेंट की ओवरऑल टोटलिंग है लगभग पचास के आसपास में और इनके क्वांट में चौदह सही है और चार गलत है इस तरह से हमारे पास तीनों सेक्शन है और तीनों बच्चों के हम लोग स्कोर को एनालिसिस करेंगे क्वांट में लोग पेपरों कैसे कर सकते थे और क्या इनको नहीं करने चाहिए क्या गलती है तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मान लीजिए टॉपर के साथ में ठीक है कि जो टॉपर स्टूडेंट है वो पेपर को कैसे कर रहा है और आप लोगों को कैसे करना चाहिए पेपर को अगर आप देखें शुरुआत से इन बच्चे को तो अगर आप देखें सबसे पहली खूबसूरत चीज़ क्या है इन्होंने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया जो किया सब कुछ सही किया पहली बात तो ये अब इन्होंने टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे किया वो देखिए आप लोग क्या गलती करते हैं और इन्होंने क्या गलती नहीं या फिर इनकी भी कुछ गलती है तो मैं वो भी बताया

जो जो हमारी है है आ रहे हैं लर्निंग है, वो पूरा मैं दे दूंगा एक बार हम देख रहे हैं यहाँ पर तीन सेकंड में इन्होंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया ठीक है बच्चे ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरा एक एक करके मैं कंपेरिजन कर दे रहा हूँ हर बच्चे का ठीक है भाई अब अगर आगे बढ़े अपन दोस्त तो आप देखें अब देखो यहाँ पर इन्होंने पांच मिनट लगाए ओवरऑल दो मिनट का था दो मिनट में सबने छोड़ा सिर्फ चार परसेंट किया रेयर क्वेश्चन था इनको शायद ये टॉपिक अच्छे से आता होगा इनको कॉन्फिडेंस रहा होगा पांच मिनट लगाया मगर इन्होंने क्वेश्चन पूरा सही किया है चार परसेंट लोगों सही हुआ बट पांच मिनट लगा कि इन्होंने सही किया ठीक है इनकी चॉइस थी हो सकता है इसका बढ़ सकता था मगर अगर ये क्वेश्चन नहीं करते बढ़ सकता था मगर किया और नहीं करते तो कुछ और सही हो जाता बट ठीक है पर ट्रस्ट किया शुरू में थी तो इसके डेफिनेटली फ्लो फ्लो के अंदर दूसरा क्वेश्चन अड़तीस सेकंड में किया है मगर सबसे बड़ी दिक्कत है ये क्वेश्चन ये नहीं कर पाए ये क्वेश्चन करना चाहिए था ये क्वेश्चन बट इट्स किया है तो किया है अगला क्वेश्चन अच्छा ले लिया इन्होंने तो चार में से तीन क्वेश्चन इन्होंने बना लिए और पांच मिनट के बाद आप देख रहे हैं दस सेकंड बारह सेकंड लगे तो ये टफ क्वेश्चन है ये टॉपर्स क्वेश्चन ही है क्योंकि चार परसेंट लोग सही कर रहे हैं ये मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी सब करें ये इन्होंने किया दैट इज वाई ही और शी इज टॉपर ये आप नहीं भी करेंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है अब आगे देखो सात से लेकर सत्रह तक इन्होंने झड़ी लगा दी है मैं मान के चलता हूं स्पीड मैथ या फिर इजी क्वेश्चन होने चाहिए मैंने पेपर देखा हुआ नहीं हालांकि स्पीड मैथ नहीं निकला इजी डीआई मुझे लग रही सत्तर परसेंट लोगों ने किया तो इट्स ओके और दो मिनट में किया एवरेज टाइम ढाई मिनट का है लगभग सबके बराबर चल रहे हैं ये सब ने किया सत्तर लोगों ने किया इसका मतलब डीआई ईजी थी तो इनको भी करनी ही थी इजी डीआई इन्होंने नहीं छोड़ी वेरी गुड है ये काम करना चाहिए अब इन्होंने ये भी किया है लगभग 85 परसेंट लोगों ने सही किया इजी क्वेश्चन का तो इनका भी सही है टाइम हमेशा देखो आप एवरेज से हल्का सा कम ले रहे दैट इज साई प्रॉपर अब देखो ये क्वेश्चन क्वेश्चन फिर फिर अब ये फिर से अगेन टॉपर है है क्योंकि सिर्फ लोगों ने किया तो भी आपको टेंशन की बात नहीं, नहीं है टाइम लगाया पांच सात मिनट लगाए हैं आराम से ये टॉपर क्वेश्चन आपसे नहीं भी होता तो घबराने की बात नहीं अब देखिए यहां पर तीन मिनट लगाया अर्थमेटिक इन्होंने सही किया ओके यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब इस डीआई में देखो दो मिनट लगाए

तुरंत क्लिक कर दिया कि भाई मैं नहीं जा रहा इतने लंबे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पे भले डी के पहले क्वेश्चन में टाइम लग गया इस क्वेश्चन को तुरंत स्किप किया सिर्फ नौ परसेंट लोग कर पाए मगर सबने एक मिनट यहां पर खराब किया इस बंदे ने एक सेकंड में इसको स्किप करना समझा ये दिमाग में लगाया ये देखो चालीस सेकंड सबने निकाले ये जीरो सेकंड में इसको पता था देखो स्मार्ट मूव देखो इसको पता था है चार से पांच क्वेश्चन की होगी इस क्वेश्चन पर इसने क्लिक ही नहीं किया अठारह भी देख लो जीरो है क्योंकि उसको पता था पांच क्वेश्चन का सेट है आगे क्वेश्चन लंबे मैं नहीं जा रहा इसमें लंबे लंबे क्वेश्चन में लोगों ने बाईस सेकंड लगाए हैं तीन परसेंट लोगों ने क्या है बाईस सेकंड ये बीस सेकंड बाईस सेकंड तीस सेकंड चालीस सेकंड हर क्वेश्चन जो स्किप में इन्होंने बचाए है ना ये लास्ट में इनको आठ दस मिनट बचा के देंगे आप देखिए ठीक है अभी अब जब हम देखेंगे ना मीडियम रेंज वाला स्टूडेंट लो रेंज वाला स्टूडेंट जैसे कर रहे हैं आप देखना उसमें कितना टाइम इन्होंने लगाया होगा इन्होंने सीधा एक क्वेश्चन करा अगला क्वेश्चन लंबा लगा उनको और सीधा ये तीन क्वेश्चन टच ही नहीं किया ये क्वेश्चन लंबा देख के ये दो क्वेश्चन सीधा छोड़ के ये सीधे आ गए इक्कीस मिनट यहाँ इन्होंने टाइम बचाया इन्होंने क्वेश्चन किए ठीक है इट्स ओके सब कुछ एवरेज चल रहा है यहाँ तक कोई खास बात नहीं है नॉर्मल काम चल रहा है यहाँ पर अगेन कम लोगों ने किया इन्होंने फिर से टाइम बचाया एवरेज आदमी एक मिनट पूरा खराब किया इन्होंने छब्बीस सेकंड में क्वेश्चन को लीव करके निकल गए अब देखो अब लाइन लगाएंगे स्पीड में था गई, सबको करनी पड़ेगी एट्टी फाइव परसेंट लोग कर रहे ये कम टाइम में कर रहा है स्पीड है, फटाफट खींच रहा है देखो सब कुछ खटाकर खटाकर अड़तालीस सेकंड, ये इक्कीस सेकंड उड़ा रहा है उड़ा रहा है ये बत्तीस सेकंड चौबीस सेकंड आप लास्ट के दिनों में हर क्वेश्चन करने का अटेम्प्टिंग टाइम नहीं बढ़ा सकते

नहीं तो जीरो सेकंड पॉसिबल से नहीं था इनको लगा कि अर्थमेटिक आ गई है अब इनको लगा अर्थमेटिक करने का ज्यादा टाइम नहीं है पेपर के मिड में आ गए थे शुरू में डीआई वगैरह में काफी टाइम लगाया क्योंकि इन्होंने टफ डीआई उठाई थी अब अर्थमेटिक का टाइम नहीं मिला ये इनका पेपर यहाँ पर छूटना चालू हो चुका है इसलिए इन्होंने देखो जीरो जीरो सेकंड आ रहा है क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन छेड़े ही नहीं है यहाँ पर अट्ठारह सेकंड ये तीन स्टेटमेंट देखते ही छोड़ा जनता चौतीस सेकंड खा रही है हमेशा टाइम बचा रहा है पंद्रह बीस सेकंड क्वेश्चन छोड़ते समय भी लीड ले रहा है जनता से पांच सेकंड में छोड़ दिया एक मिनट पैंतीस सेकंड टाइम की कमी चल रही है बच्चे को फिर से स्पीड में था ये लो लाइन छोड़ा दिए इसने क्यों शुरू में टाइम इतना लगा दिया अभी चुन चुन के सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन स्पीड वगैरह उड़ा रहा है ठीक है ये देखो फिर छोड़ना चालू हो गया छोड़ना चालू हो गया है, नहीं। इस में दिया। टाइम लगा दिया दो मिनट से यहाँ पर इनका स्कोर और बढ़ सकता दोस्तों अब अगर आगे बढ़े और चीजें देखने की कोशिश करें इनके क्या हाल रहा है बाकी इन्होंने इजी क्वेश्चन आया फिर से उड़ाया देख लो ठीक है इजी क्वेश्चन आएगा उड़ाते जाएंगे अब इन्होंने फिर से चार सेकंड अर्थमेटिक फिर से छोड़ दी लास्ट नंबर में चार सेकंड दो सेकंड में छोड़ते चले गए ये डीआई भाई ने देखी ही नहीं है ये डीआई भाई ने देखी ही नहीं क्यों नहीं देखी उसको पता था इतना सब कुछ सॉल्व है डेटा है तीन तीन परसेंटेज दिए हुए हैं तुरंत देखते उड़ा दिए लोगों ने पचपन पचपन सेकंड लगाए हैं

अब तीसरे क्वेश्चन पे आए ये देखो ये बच्चा मीडियम रेंज में क्या इसने कुछ नहीं किया तीन से छह उसने किया था टॉप पर रेंज का क्वेश्चन था उसने दो क्वेश्चन करके हटाया था चार में से तीन लिए थे इस बंदे ने पांच मिनट यहाँ पर खराब किए हैं अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर कोशिश लगाई और पांच मिनट खराब करके भी कुछ नहीं हिला इस डीआई में पांच मिनट इसलिए ये टॉपर रेंज तक नहीं गया समझ आ रही है बात अगर हम आगे देखें अगले क्वेश्चन में कितना लगा है? अगला क्वेश्चन इसने स्मार्ट मूव दिखाया मीडियम रेंज का बच्चा है उसने सोचा चार पांच क्वेश्चन हटा दो पांच मिनट फिर भी खराब किए जो शायद नहीं करने चाहिए थे मगर आगे स्मार्ट मूव दिखाया नहीं तो और अटेम्प्ट कम हो जाता अगर इन क्वेश्चन घुस घुस के माता बच्ची करी होती अब यहां पर ये वाली डी इजी थी वैसे भी सबको करनी थी ये इसने भी की है मीडियम रेंज का बच्चा इसने बिल्कुल करी है ये इजी क्वेश्चन था इन्होंने किया है फिर से फिर से इस डी पर चार मिनट खराब किए हैं देखो फिर नंबर कम हो चार मिनट फिर से खराब किए चार मिनट के बाद तो होगा अच्छी आदत है बारह के बाद सीधा सोलह या सत्रह टिक किया होगा देखो सोलह पर टिक हुआ एक सेकंड आया है बाकी पंद्रह तक लगभग जीरो सेकंड चल रहा है क्यों ये बार बार टिक नहीं कर रहे हैं लोग ये है। सीधा आगे बढ़ जा रहे हैं चार या पांच सेकंड का स्के मार रहे हैं एक एक दो दो सेकंड भी बचा रहे हैं लोग इतना स्मार्टली पेपर

समझ आ रही है बातें ये क्वेश्चन ठीक किया इन्होंने कोई दिक्कत नहीं है ये स्किप किया एक सेकंड में इसमें भी कोई इश्यू नहीं है मैं अब इनका यहाँ पर ओवरऑल लिख देता हूँ अभी तक साढ़े नौ मिनट अच्छा आगे बढ़े और आगे बढ़े उनतीसवां तीसवां अच्छा अटैम्प्ट नहीं है तो सेकंड आ रहा है इकतीस चौवालीस सेकंड आया है फिर से इन्होंने बीच में एक क्वेश्चन किया है स्पीड क्यों शुरू का प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया प्रेशर इतना बिल्ड हो गया अब लास्ट में इस बच्चे टाइम नहीं बचा यहाँ तक पहुंचने का इसलिए स्पीड मैथ भी इस बच्चे को स्किप सेकंड मैथ गलत होना है। आप देख रहे लो कितने अप्रोक्सीमेशन गलत अप्रोक्सीमेशन छूट रहे हैं क्यों टाइम का क्रंच हो चुका है इस बच्चे के पास समय दो दो मिनट लग अब देख लो दो सही हुआ है फिर जीरो सेकंड आ रहा है अब लास्ट में ज्यादातर अटेम्प्ट ही नहीं कर आठ सेकंड गेम है फिर समझ में आ रही दोस्तों आपको बातें ऐसी, ऐसी बातें हमारी हैं ठीक है, है। भाई लास्ट मैथड इसके बस हाँ लास्ट में इसने स्मार्ट मूव किया एकदम पेपर के एंडिंग में जाके एकदम पेपर उठा के देखा है और इन्होंने सीरीज को टिक किया मगर बीच में कई सारे क्वेश्चन आते हैं सिली मिस्टेक है और अगेन में देखो मोटा मोटी लगभग दस मिनट खराब हुए हैं

तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख ली है सब तीनों बच्चों का एनालिसिस देख लिया उम्मीद आप सभी को पसंद आया होगा अब जो फाइनल लेसन हमारी तरफ आ रहे हैं वो क्या है बिल्कुल शॉर्ट में बात करते हैं पहला है मार्क डूएबल इन जीरो से तीन मिनट आपने देखा तो कई बच्चे लास्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं अभी आपने एनालिसिस देखा लास्ट तक कई बार पूरा पेपर छूट जाता है बहुत ज्यादा शिकायत रहती है में इसमें पेपर छूटने की वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उसके लिए शुरू के जीरो से तीन मिनट के पचास क्वेश्चन तक डी आई यहाँ पर है यह डी आई बनाऊंगा ये नहीं बनाऊंगा ये आपकी कॉपी में रफ शीट में होना चाहिए आपके पास प्लान ताकि आपको पता है लास्ट में अगर दस मिनट में बच्चे तो स्पीड मैथ बत्री फटाफट कर लेता हूं मैं ऐसा ना जैसे बच्चे के साथ हुआ फोर्टी से फिफ्टी नंबर सीजे ही नहीं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया या लास्ट के दस क्वेश्चन अर्थमेटिक छूट गए कुछ इजी क्वेश्चन भी उसमें से रह गए वो नहीं छोड़ना है। जीरो से तीन मिनट में पे ये पॉइंट आपका कवर हो जाना चाहिए Do not stick to pre order, अगर आपको किसी ने बता दिया है कि बच्चों पहले डीआई कर लेना फिर अप्रोक्सीमेशन कर लेना फिर आप अर्थमेटिक करना क्योंकि अर्थमेटिक टफ होती है ऐसा नहीं है हो सकता है अर्थमेटिक ईजी आ जाए डी टफ आ जाए हो सकता है डीआई बहुत इजी आ जाए अर्थमेटिक टफ आ जाए तो वो पेपर के अकॉर्डिंग करना प्री प्लान ऑर्डर दिमाग में बसा के मत जाना वरना उसके नुकसान हो सकते हैं डो नॉट हैंग इन डी आपने कहा डीआई में वहां पर हैंग नहीं होने है। एक बच्चा शुरू में पांच पांच छह छह मिनट तक एक डीआई में लगा दिया फिर लास्ट में मेंटिकल प्रेशर पड़ गया तो डीआई में बहुत ज्यादा हैंगिंग नहीं होना है अगर लग रहा है ये मुझसे बन सकती है अगर आपको लग रहा है चीजें देखी दिखाई लग रही है इस तरह की चीजें मैंने की है तब तो आप करिएगा क्लैरिकल में स्पीड बहुत मैटर करेगी कोई नया इनोवेटिव डीआई आ गया और उसमें टाइम लगा के दस मिनट बारह मिनट लगा भी दिया तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है कोई ये नहीं देखना आपने किस क्वालिटी का क्वेश्चन किया अल्टीमेटली आपके मार्क्स काउंट होते हैं ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स बात सिंपल सी है उसके बाद मेरी बात आती है यू हैव टू गो एक से पचास आपको पूरे पचास क्वेश्चन देखने जरूर हैं आपका अटेम्प्ट अटैम्पचास क्वेश्चन तक जाना चाहिए ऐसा ना हो 43 से 47 तक के इजी इजी क्वेश्चन थे आप पता लगा तक आते आते चित्त तो हो हो गए पेपर का टाइम खत्म गया यह गलती नहीं होनी चाहिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन नहीं होने में ठीक है मेरे भाई इजी अर्थमेटिक एलजेबरा और स्पीड मैथ्स आपका हमेशा पेपर में वेट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं इजी अर्थमेटिक क्वेश्चन जरूर होंगे डरना मत स्पीड मैथ्स आपके पास कहीं ना कहीं जरूर होगी डरना मत और आपके पास एलजेब्रा नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन होंगे जो आप आराम से बना लेते हैं ये वाले ग्रीन फ्लैग्स हैं ये आपको पेपर में ढूंढने और सॉल्व करने शुरू के जीरो से तीन में आप इनको भी पा लेंगे और लास्ट में डीआई स्किपिंग इज एन आर्ट और आपको उस का पिकासो बनना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा किस तरह से बच्चों ने स्मार्टनेस दिखाई आपको पता है ये बड़ी डीआई है दो पाई चार्ट है या लंबा सा कोई ग्राफ आ गया है और आपको लगता है सोल्व नहीं करना है तो यार पांच क्वेश्चन आपको पता है चार पांच क्वेश्चन होते हैं सोलह नंबर पर तो बार बार सत्रह भी क्लिक कर रहा हूँ टक करके अठारह कर रहा हूँ यहाँ टेस्ट में तो आपको फटाफट फटाफट आगे बढ़ जाता है वहां पर पेपर में एक सेकंड दो सेकंड का लैग आएगा

का मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर पूरे पचास के पचास क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे का पूरा सेट लेकर आ रहा हूं पचास क्वेश्चन का एग्जेक्ट एग्जाम लेवल बने रहिएगा लर्निंग कैप्सूल चैनल के साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए